हर जगह पे कंट्रोवर्सी दिखती है, किसी कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है। इतना अपना सर को इतना भारी करके मैं नहीं चल सकती हूँ। रिन्यू करते हैं क्या कुछ तो बोलते हो उसको, एवरीवन कैसे हो आप सब। ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ बहुत रात को, अभी करीब करीब 11:30 हो गए, 11:30 बजे। पूरा दिन मैं सोई थी, इतना तेज 5 घंटा सोई है, इतना तेज फीवर था तो पूरा 2 बजे उठी और 2 बजे सो के मम्मी 7 बजे उठी है। हाँ, और पता नहीं मुझे लगता है कि दर्द की वजह से बुखार आ, क्योंकि ऐसे सर्दी खांसी तो कुछ है नहीं मुझे, और शायद पेन की वजह से, आज बहुत पेन था मेरे पैर में तो पता नहीं क्यों इस वजह से, शायद तो पूरा बर्तन वगैरह गुनगुन नहीं किया और मुनमुन नहीं मिलके पूरा काम किया, बाल इतने झड़ने लगे मेरे, उसको पूरी थोड़ा तेल लगाते मेरे बालों में। सुबह स्कूल है, आज तो छुट्टी मिल गई थी इन सबको, लेकिन सवेरे स्कूल है, वो देखो छुप छुप के देख रही है। आ जाए जरा, सब तुझे बहुत प्यार करते हैं। मुझे कोई प्यार नहीं करता, गुनगुन को कोई प्यार नहीं करता है ना गाइस, कमेंट में बताइएगा आप लोग गुनगुन को प्यार करते हो या मुनमुन को प्यार करते हो, कमेंट में जरूर बताइएगा गुनगुन वर्सेस मुनमुन, देखते किसको ज्यादा वोट मिलते। मैं जीतूंगी, वोट फॉर पंकुड़ी, वोट फॉर मुनमुन। ये मेरी मुन्ना, ये मेरी गुन्ना, वो बेचारा टिंकू। तो तेल लगा रही है, बेटियां होती है कितना सुख देते यार माँ बाप को सच में। चोटी बांध दी है गुनगुन ने, बढ़िया से चोटी बांध दी मेरी, रबर लाई है। अनुपमा अनुपमा, अब मैं ओरिजिनल वाली बीमार लग रही हूँ ना गुनगुन। यस अनुपमा, अब ओरिजिनल अनुपमा के साथ ओरिजिनल बीमार इंसान भी लग रहा है। देखो क्या क्या बोल रही है, क्यों निकाल रही है लट्टे फटे, मत निकाल, हटाओ, चल अब सो, 12 बज गए, गुड नाइट, सवेरे स्कूल है। वैसे मैं आपको सुबह मिलती हूँ, मैं भी जा रही हूँ सोने, इस व्लॉग को हम कल कंटिन्यू करेंगे मॉर्निंग में, गुड नाइट। नेक्स्ट मॉर्निंग, तो आज मैं यहाँ पर आप सबके साथ अपना मॉर्निंग रूटीन थोड़ा सा शेयर कर रही हूँ, लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप दुनिया के किस कोने से मेरा ये व्लॉग देख रहे हो, ताकि मैं आप सभी को धन्यवाद कह सकूँ। एंड कल के व्लॉग का थैंक यू जो है वो जाता है रुद्राक्ष सोनी 3755 जो कि माउंट आबू से है, एंड तेजस्वती राजपूत श्वेता जो कि बिहार से है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। एक और है जानवी गुप्ता वेस्ट बंगाल से, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पे आप सबके साथ मॉर्निंग रूटीन अपना शेयर करूँ, जिसमें मैं सुबह बच्चों का टिफ़िन पैक कर रही हूँ, मतलब कि खाना बना रही हूँ, चाय सब सुबह सुबह उठते उठते पहले मैंने चाय बना ली, आटा सान रही हूँ, आलू काट लिए मैंने, मैं थोड़ा सा काम बैठ के कर रही हूँ, थोड़ा सा खड़े होके कर रही हूँ, क्योंकि पैर में अभी भी मेरे दर्द है, मैं मतलब ज़्यादा देर खड़ी होती हूँ तो पैरों में दर्द हो जाता है, तो कुछ काम कुर्सी पे, एक चेयर मैंने साइड में रखी हुई थी, तो कुछ काम चेयर पे बैठ के करती हूँ, कुछ काम खड़े होके करती हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा काम नहीं करना होता है, मेरा आधा से ज़्यादा काम मेरे बच्चे ही कर देते हैं। सुबह आप देख सकते हो बगल में मुनमुन है जो कि टिफ़िन निकाल रही है पैक करने के लिए, मैं सब्ज़ी रोटी बना देती हूँ, बाकी पैकिंग वगैरह सब कुछ मुनमुन करती है, वाटर बॉटल्स गुनगुन भरती है, नाश्ता करके जाते हैं सुबह बच्चे लोग। ये जो आपको एक खाली टिफ़िन दिख रहा है उसमें एप्पल भराएगा थोड़ी देर के बाद, फ्रूट टिफ़िन के लिए मैंने एप्पल दिया था उनको, और इसका भुजिया बनाई थी आलू का एंड रोटी। मेरे बच्चे पूरी पराठे खाना ज़्यादा पसंद नहीं करते, वो लोग प्लेन रोटी ही खाते घी लगी हुई, बाल वगैरह खुद से ही बना लेती है दोनों भी बेटियाँ। और यहाँ पर मैं दिया बत्ती कर रही हूँ बच्चों की स्कूल जाने के बाद, सारा घर क्लीन करने के बाद यहाँ पे दिया बत्ती मेरा रहता है, और ये जो शूट है मेरे पतिदेव ने किया है। यहाँ पर मैं कर रही हूँ, कर नहीं रही हूँ, बना ली हूँ जूस मेरे लिए और पतिदेव के लिए, फ्रेश फ्रूट का जूस एवरीडे सुबह मैं लेती ही हूँ। जब हम अकेले होते हैं ना तो बहुत सारे ख्याल दिल में आते हैं, दिमाग में आते हैं, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, जैसे बच्चे चले जाते स्कूल, पति चले जाते ऑफिस, तो ये जो समय है ना
मतलब 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक का मैं बिल्कुल अकेले होती हूँ। तो उस समय ना बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, हम अपने आसपास देखते हैं चीज़ें कितनी बिगड़ती जा रही है। जैसे कि अभी मेरा काम है सोशल मीडिया का, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा जानते हो एंड इस फेसबुक पे भी आप लोग मुझे बहुत बड़े पैमाने पे जानते हो। हाँ, यूट्यूब पे लोग मुझे उतना नहीं जानते हैं क्योंकि मैं यूट्यूब पे उतना एक्टिव नहीं रहती हूँ, इस वजह से मुझे यूट्यूब पे लोग नहीं जानते। एंड दूसरी बात कि मेरे पास यूट्यूब पे किसी का सपोर्ट भी नहीं है कि लोग मुझे जाने। सपोर्ट तो खैर कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, हमें खुद से ही सब कुछ करना होता है। लेकिन हाँ, मैं भी अगर लोगों से मिलती झुलती शुरू से मेरा आवाजाही रहता तो शायद लोग मुझे भी बखूबी जानते, ज़्यादा अच्छी तरह से जानते, बट खैर उस चीज़ को साइड में रखते हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि जैसे हम अपने आसपास देखते ना तो हम लोगों का भी दिमाग ना डाइवर्ट हो जाता है कि यार ऐसा क्यों, ये क्यों। जैसे अभी मेरा काम है सोशल मीडिया का, तो मैं सोशल मीडिया पे एवरी टाइम मैं इंस्टाग्राम खोलती हूँ, मैं फेसबुक खोलती हूँ, चाहे मैं यूट्यूब खोलती हूँ, तो मुझे हर जगह पे कंट्रोवर्सी दिखती है। किसी कोई ना कोई लड़ रहा है, किसी न किसी की लड़ाई चल रही है, कोई इसको बोल रहा है, कोई उसको बोल रहा है, तो ये सारी चीज़ें ना कहीं हावी हो जाती दिमाग पे कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसे क्यों हो रहा है, वहाँ पे क्यों हो रहा है। तो मैं कहीं ना कहीं भगवान को ना शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ ना कि मैं किसी भी कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ फील होता है अपने आसपास, क्योंकि यार मैं इतना ज़्यादा टेंशन मैं नहीं ले सकती हूँ, मेरे से नहीं होगा कि मैं इतना ज़्यादा टेंशन लेके चलूँ। मेरे लिए बहुत हैक्टिक हो जाएगा कि मैं इतना अपना सर को इतना भारी करके मैं नहीं चल सकती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि चलो मेरे कम ही व्यूज़ आए, मैं कम ही लोगों से मिलूँ, मैं कम ही पैसा कमाऊँ। कम व्यूज़ मतलब कम पैसा, ज़्यादा व्यूज़ मतलब ज़्यादा पैसा। तो मैं कम ही पैसा कमाऊँ लेकिन कम से कम मैं शांति का रोटी खाऊँ, मतलब मैं शांति से 2 रोटी खाऊँ, ये मुझे ऐसा लगता है। खैर ये तो मतलब मैं अपनी सोच बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पे बातें शेयर करने के लिए कोई नहीं है, एक मुझे आप ही लोग मिलते हैं जिससे मैं अपने दिल की बात शेयर कर सकती हूँ, तो मैं वही अपनी बात शेयर कर रही थी। आज मैंने अपने पति से कहा कि मुझे मेरा बेडरूम का मेकओवर करना है। क्या मेकओवर ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेडरूम को जो रिन्यू करते हैं, क्या उसको बोलते हैं उसको, यार मैं वर्ड भूल गई उसको, क्या बोलते हैं जैसे पुराने बेडरूम को नया बना देते हैं ना, वो मुझे करना है। उसको क्या बोलते हैं मुझे शब्द याद नहीं आ रहा है, आपको याद आएगा तो कमेंट में बताइएगा। तो मैंने उनको बोला कि बजट बनाओ, मुझे मेरा बेडरूम को पूरा नया से बनाना है और अच्छे से बनाना है। तो बोला ठीक है, मैं आज ही भेजता हूँ POPR कारपेंटर को। तो मेरे कुछ प्लान्स हैं बेडरूम के लेके, मैं जल्दी ही आप सबके साथ भी शेयर करूँगी और जल्दी ही आपको मेरा एक नया सा बेडरूम देखने को मिलेगा। तो इस व्लॉग को करते हैं एंड आप लोग थोड़े से मुझे सजेशंस दीजिएगा कि मैं किस तरह से अपने बेडरूम को नया बना सकती हूँ, एंड कुछ फ़ोटोज़ वगैरह शेयर करिएगा अगर आपके पास है तो। मुझे लगा कोई है खिड़की में, बट कोई नहीं है। एनीवेज मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। इस ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। देखो मेरे पास यूट्यूब पे किसी का भी सहारा नहीं है, एक आप ही लोग हो जिससे मैं सहारा मांग सकती हूँ। थोड़ा सा लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा मेरे ब्लॉग को, शेयर भले मत करिएगा कोई बात नहीं, कम से कम लाइक एंड कमेंट तो ज़रूर करिएगा। लव यू सो मच गाइस, बाय बाय।